अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो हमारे ट्रिप का पहला दिन शुरू हो गया है और मैं घर से निकल गया हूँ और आज का लुक ये है बस। तो आज का दिन सफ़र में गुजरेगा, कल से फिर इंजॉय करेंगे। तो व्लॉग के पहले पार्ट में आप देखें, हम आपको अपना सफ़र दिखाते हैं। हम दोबारा पेश हुए आपकी खिदमत में और अभी मैं इधर आया हूँ हिलाल के घर और इसके घर से हम अभी बाइक लेंगे और बाइक पर हम जाएंगे सुलेमान के घर, फिर वहाँ से देखते आगे देखे होता है। तरफ बरीकोट में हमारा स्टे होगा। गर्मी की वजह से लोगों की हालत Barikat. Using English we reach Barikat. हम पहुंच गए बरीकोट में। ये इधर इसका एक फ्रेंड है, किधर है इसका एक फ्रेंड है, उसके घर आ गए हम। हम कल शांगले के लिए निकलेंगे। अभी इधर कहीं नज़दीक कोई अच्छी जगह होगी तो उधर घूमने के लिए जाएंगे। रहिए हमारे साथ, देखते रहिए शालम व्लॉग्स। निकले यहाँ बरीकोट में, एक जगह है जो इस फ्रेंड ने हमें बताई है कि बहुत खूबसूरत जगह है, तो ये हमें उधर ले जा रहा है। अभी हम जा रहे हैं और इधर ये इधर भी है, अभी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त व्यू में हम जा रहे हैं अभी, तो अभी देखते हैं वो कैसी जगह है, आप भी देख लेंगे हमारे साथ। इधर पहुंच गए इस जगह पर, आप देख सकते हैं ये इधर ये पानी छोटा छोटा सा है, स्लो भी है, तो इधर हम अभी नहाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, डेंजर है उधर, इधर नहाएंगे। ये दोनों अभी इधर पानी में मजाक कर रहे हैं। हम सर फिरे बिगड़े हुए नवाब है, पढ़ लो हमें, हम तो खुली किताब है, हड्डी भी हम है और हम ही कबाब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। हम
दूसरा दिन हमारे ट्रिप का और अभी हम नाश्ते के लिए तैयार हो रहे हैं और फिर जाएंगे शांगला। सो हम सब अभी रेडी हो गए हैं और जाने के लिए तैयार हैं। अभी गाड़ी आ रही है तो उस गाड़ी में फिर हम लोग जाएंगे, उसके साथ बात करेंगे, फिर देखेंगे कि वो डायरेक्ट हम शांगला जाते हैं या पहले मिंगवर जाके फिर उधर से शांगला जाते हैं। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए शाहरुख ब्लॉग्स। हम अभी इस गाड़ी में जाएंगे, आप देख सकते हैं, एंजॉय करने शांगला, सीधे सीधे शांगला जा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहुंच गए हैं शांगला टॉप में और सब बहुत थके हुए हैं। अभी उधर जाके रूम की मालूमात कर रहा है, उधर रूम जो हमारा है बहुत दूर का सफर था, बहुत दूर सफर क्यों या अल्लाह, जबरदस्त का सफर हुआ, इसमें अकल ही नहीं है इसको अकल सिखाने के लिए। हम रूम पहुंच गए हैं, थोड़ा स्टेबल हो के अभी पी रहे हैं शरबत। बोले वो मेरा रस्ते होगा ना जी, वीडियो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी चेक करें, शरबत नीचे सब शरबत पी रहे हैं। तो अब हम इधर एक और जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्होंने हमें अपने घर में दावत दी और अपने उजरे में लाए और अभी हमारी बहुत मेहमान नवाजी हो रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये चाय हम आपको बताएंगे, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं और इनके घर बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम इधर निकले हैं हाइकिंग के लिए, निकले हैं इधर इस पहाड़ पर, अभी हम जाएंगे हाइकिंग करेंगे। यानी पीछे ये वाला चढ़ सकेगा तुम्हारे ख्याल से? ये वाला चढ़ सकेगा? ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये जा नहीं सकता कभी उधर कभी उधर। नीचे पंप है, किधर है वो है, वहाँ से हम यहाँ तक सब आ गए हैं और भी आगे जाएंगे, लेकिन फिलहाल 5 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। हेड्स में जूम नहीं होता। हमारी थर्ड मॉर्निंग और अभी हम तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं वो हेयर ड्राई कर रहा था, चुप गया। ये नीचे इस्त्री हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। एहसान शाह इस्त्री कर रहा है हमारे लिए, हमारे कपड़े सारे इस्त्री कर रही है इसने। और ये उजैर खान, आप मेरे ब्लॉग में कुछ कौन है यार? मैं क्या कहूँ, बस अभी जा रहे हैं और फिर लिफ्ट में जाएंगे और फिर नीचे, अल्लाह करे कि ना गिरे। तीसरे दिन का नाश्ता, तीसरा दिन है ना, तीसरा ए,
सो गाइस अभी हम निकल पड़े हैं अपने तीसरे दिन के एडवेंचर पर। अभी हम जाएंगे इधर थोड़े हाइक पे और उधर एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? मनागो जगह का नाम है। अभी हम उधर जाएंगे, इधर के लोगों ने हमें वो सजेस्ट किया है कि आप उधर चले जाएं, वहाँ बहुत ही अच्छे व्यूज़ और अच्छी जगह है ना, खूबसूरत जगह है। तो अभी हम उधर जा रहे हैं। हम यहाँ आए मनागो इलाके में पहुँच गए हैं, उस रास्ते से आए हैं और बहुत ही ख़राब चढ़ाइयाँ थी और बहुत ही मुश्किल से चढ़े हैं ये, कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से चढ़े हैं। और हम अभी इधर पहुँच गए हैं, फवाद खान हमारे साथ है, वो बाकी दो उधर चले गए हैं, उधर बैठने की जगह ढूंढ रहे, कह रहे हैं यहाँ ताश खेलेंगे। फिर वो ऊपर वो जगह है ना, उधर दिखाई दे रहे हैं वो खंबे दिखाई दे रहे हैं, तो रास्ते गए हैं, लोग कह रहे हैं उधर चले जाओ, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, फिर हमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इधर एंजॉय करेंगे थोड़ा और फिर यहाँ से निकलेंगे। दूसरा इलाका क्या है? यख्तंगी का इलाका है, उधर जाएंगे फिर वो वहाँ भी घूमेंगे। तो आप देखते रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह हम बहुत एंजॉय करेंगे इस ट्रिप में। गाइस हम अभी इधर नीचे उतर गए हैं वहाँ से, और अभी इधर हम दोपहर के खाने के लिए चीज़ें ले रहे हैं। आज हम ख़ुद कुकिंग करेंगे। और उज़ैर खान बहुत ही थके हुए हैं, नीचे ज़मीन पर ही बैठ गए, वो वाला पानी पी रहा है कुएं से, और अंदर एहसान शाह को सब्जियाँ खरीद रहे हैं। गाइस हमने खाना खा लिया है दोपहर का, और तीसरे दिन में हम अभी निकले। यार शोर मत करो अभी हम तीसरे दिन में अपने दूसरे ट्रिप पर निकले हैं, और हम जा रहे हैं यख्तंगी, एक जगह उधर एक चेयर लिफ्ट है उसमें भी बैठेंगे और हम जाएंगे। अभी आप हमारे साथ रहिए, देखते रहो रास्ता, चल हम लोग वो रास्ते उधर से जाएंगे ना, उधर से जाएंगे। तुम दिखाओ रास्ता ज़रा, उस साइड से जाएंगे, उस साइड से किधर राहु है ना गुरजे प्रेदा। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, जो इलाका था यहाँ का, मुझे यार ये नाम बार बार भूल जाता है, क्या नाम है यहाँ का? यख्तंगी इलाका जो है, हम वहाँ पर पहुँच गए हैं, और बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतनी खूबसूरत, फुल कवर्ड विद ट्रीज, देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये लोग पिक्चर्स खींचने में मसरूफ़ हो गए हैं अभी यहाँ पर। फवाद तुम किधर गए यार, फिर कहते हो मैं व्लॉग में नहीं आता। हाँ वो है, बहुत जबरदस्त जगह है, आप लोग जरूर आए, जरूर विजिट करें, मजा ना आया तो पैसे ऐसे लो बहुत आरामी हो बेटा। हमने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया, ये मारा ध्यान में यार, ये क्या नाम, यख्तंगे हाँ, इधर जो भी नाम है बस, यहाँ हमने बहुत एंजॉय किया। अभी हम निकलने वाले कालाम के लिए, और बस वो लास्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ घूम कर फिर घर जाएंगे, वो वहाँ भी मज़े करेंगे अब इंशाल्लाह, और वहाँ फिर मॉडर्न भी जाएंगे। हमने अपना पूरा सामान ले लिया है, और ये लोग यहाँ के रहने वाले लोग हैं जिनके घर हम मेहमान थे, वो हमारे हमें छोड़ने के लिए आए हैं, इन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा है, यहाँ पर बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं यहाँ के। अब हम इनके साथ मिलेंगे और फिर बस रवाना होंगे कालाम के लिए इंशाल्लाह। कालाम पहुँचेंगे तो फिर नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, या फिर सुबह बनाऊँगा, क्योंकि जब पहुँचेंगे तो रात हो गई होगी, तो देखते हैं ना आगे, देखते हैं, देखते रहिए।
सो गाइस अभी हम कालाम पहुंच गए हैं। सब के सब इधर आ जाओ यार, तुम भी कैमरे में आ जाओ। अच्छा कालाम पहुंच गए और हमारा एक बहुत पुराना डायलॉग है कालामा के, मुंगरालू कालाम था, यू आर वेरी नाइस बच्चा, यू आर वेरी नाइस बच्चा। हमारे ट्रिप का चौथा दिन है ना आज। हाँ चौथा दिन शुरू हो गया है और हम अभी कालाम से जा रहे हैं। हम रात को कालाम पहुंचे थे, मैंने एक वीडियो बनाई है लेकिन और गाने की वीडियो, रूम की वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि बहुत थका हुआ था कल और बस डायरेक्टली सो गया था। और आज हम जा रहे हैं मोहडन जा रहे हैं और हम आपको मोहडन लेक दिखाएंगे। दो घंटे के सफ़र के बाद हम यहाँ पर अभी कुछ टाइम स्टे के लिए रुके हैं और आगे बहुत पर जाएंगे। पहले यहाँ भी बहुत अच्छा व्यू है, पीछे जो है आप देख सकते हैं पानी बह रहा है और अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। तो हम यहाँ स्टे के लिए रुक गए हैं और फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे। कुछ लम्हा टहलने के बाद कुछ खाएँगे पिएंगे फिर। हम पहुंच गए झील सैफ अल मलूक और बहुत ही खूब सॉरी मैं गलत बोल गया, हम पहुंच गए झील महोडंडा। बहुत ही माना बस जो भी है यार, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। मैं तो दूसरी बार तीसरी बार आया हूं लेकिन ये लोग पहली बार आए, इसलिए उन्होंने ये जगह कभी देखी नहीं है। आप भी देखें हमारे पीछे, आपको अच्छा सा व्यू हम कर दिखाएंगे इसके बाद। कालाम है, हम यहाँ पर बहुत घूमे। अब हम इसके बारे में हिलाल से पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम लोग जो है दूसरी बार आए हैं लेकिन वही प्लेस वही जगह, लेकिन एक्साइटमेंट जो है वो होती रहती है। आप लोगों की से गुजारिश है कि आप लोग आए विजिट करें, खूबसूरत जगह है ना, खूबसूरत जगह है, बार बार आपका दिल करेगा कि हम लोग आए इधर इंजॉय करें। और अभी हम खाने के लिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद उस तरफ थोड़ा और बहुत खूबसूरत जगह है, उधर पानी ऊपर पहाड़ों से आ रहा है, उस तरफ जाएंगे फिर घर जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए तो आप देखते रहिए। वापस कालाम की तरफ मोहडन से, तो
ओए बहुत सब तक गए हैं यार, बहुत तक गए बाहर, आप देख सकते हैं मोहडंड, बाय बाय मोहडंड, ओए मोहडंड बाय। तो गाइस आज हमारा लास्ट डे है ट्रिप का और हमारी लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ हम जा रहे हैं हम सब, या अल्लाह खैर हम सब जा रहे हैं फॉरेस्ट जा रहे हैं, कालाम के फॉरेस्ट में हम अभी जा रहे हैं और बस यहाँ से होकर यहाँ पिक्चर्स खींच कर फिर घर जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस अगर यहाँ तक देख लिया है तो देखते रहिए आखिरी जगह। तो अब हम बाज़ार से ऊपर आ गए हैं यहाँ, थोड़ा सा रास्ता है फॉरेस्ट को, हम पैदल जा रहे हैं इसलिए हमें टाइम लग रहा है और ये सब थक गए हैं, पीछे बैठ गए हैं। इधर देखो यार, नहीं देखो ना देखो, ये लोग अभी थक गए हैं, इनका मूड नहीं है कैमरे में देखने का। वालेकुम अस्सलाम बाबा। गाइस हम पहुंच गए फॉरेस्ट, बहुत ही खूबसूरत है ये लंबे लंबे ट्रीज, लेकिन यहाँ एक मसला है यार, मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर इन्होंने बहुत गंद फैलाया हुआ है ना बहुत ही गंद है, आप ये पीछे देखें मेरे, बहुत ही गंद, ये इन्होंने नेचर को गंदा किया हुआ है। तो इन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसी जगहों पर गंद ना फेंके, डस्टबिन यूज़ किया करें। और बस आपको मैं भी फॉरेस्ट दिखाता हूँ फिर हम घर जाएंगे, आपको घर वाली वीडियो या देखो या ना देखो, घर तो घर होता है। ओके सो अल्लाह हाफिज़। منم خسته خسته خارو نشته ده خود پټولو باندې پرد کنا د هر ز خپل خوند نه خپل مزه خو پی خبر ده کنا خو پی خبر خو پی خبر ده کنا منم خسته خسته خارو نشته ده خود پټولو باندې پرد کنا د هر ز خپل خوند نه خپل مزه خو پی خبر خو پی خبر ده کنا خو پی خبر خو پی خبر ده کنا سو گائز ہم پہنچ گئے ہیں واپس پہنچ گئے ہیں پشاور میں اور بس ٹرپ ختم ہو گیا ہے یہ بس ولاگ کا لاسٹ پارٹ ہے اور ملتے ہیں آپ سے اگلے ولاگ میں انشاءاللہ گڈ بائے